पहला अमोशन बीजी पोथी उदा सत बारह तो पंद्रह है तक ता अम शाह ने अमोस नू आख्या हे दर्शन वेखण वाले जा यहूदिया दे देश नू नठ जा उथे रोटी खा अते उथे अगम वाक कर पर बैतले विच फिर कदी ना अगम वाक करी क्यों जो वह पातशाह का पवित्र अस्थान अते शाही मंदिर है। अमोस ने अमशाह नू अगों आख्या ना मैं नबी हाँ ना मैं नबी का पुत्र हाँ पर मैं हयाली अते गुलरान का छांगण वाला हाँ अते यहोवा ने मैनू इज्जड़ दे पिछे जांदे नू लिया अते यहोवा ने मैनू आख्या जा मेरी प्रजा इसराइल कोल अगम वाक ये प्रभु की पाक वाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। पाठ दूसरा संत पौलुस रसूल का पत्र अफसियां दे नाम उसका एक बाप तीन ऐत तो चौदह ऐत तक। तन है खुदा साडे प्रभु येसु मसीह का बाप जिसने मसीह विच सानू स्वर्गी अस्थाना दियां सब रूहानी बरकतां देण दी मेहर कीती है। नाल ही उसने सानू संसार दियां बुनियाद रखण तो पहला मसीह विच चुनिया है तां जो असी उसके सामने प्यार विच पवित्र अते निर्दोष बनीए। उसने अपने सुखदाई पाने अनुसार पहला तो ही ये मिथ्या है कि असी येसु मसीह दे वसीले उसके गोद लै बच्चे बन जाइए। यह उसके जलाली फजल की प्रशंसा ली है जो उसने अपने प्यार प्यारे बेटे विच सानू बहुतांत विच मुफ्त बख्शिया है। उस विच उसके लहू नाल सानू मुक्ति अर्थात साढ़े उलंघन अपराधा की माफ़ी उसके फजल की बदौलत मिलती है जो वो लोड़ तो वध सानू दिंदा है। उसने अपनी सारी दनाई अते सूझ नाल अपनी इच्छा दे भेत का ज्ञान सानू दिता है। उसने अपनी राजी खुशी नाल मसीह दे विच एक योजना बना रखी है कि समा पूरा हो जाने वो सब कुछ जो स्वर्ग अते धरती विच है मसीह विच इकट्ठा किया जाए। असी खुदा दे इरादे अनुसार चुने गए हाँ अते असी मसीह विच मिरास भी पाई है जो अपने मन की इच्छा अते सलाह नाल सारियां विच सब कुछ संपन्न करता है तां जो असी जिन्हां सब तो पहला मसीह ते आस ला रखी है उसकी महिमा की प्रशंसा लई जीवन बसर करिए। उस दे विच तुसी भी वायदा किए गए रूह पाक की मोर नाल दागे गए सी जदों तुसी सच्चाई का वचन अते अपनी मुक्ति का शुभ समाचार सुनिया अते मसीह उत्ते ईमान रखिया सी जो खुदा दे अपने लोकां वांग उसकी महिमा की उसत लई साडी रहाई वास्ते साडी विरासत की जमानत है। ये प्रभु की पाकबाणी है। अज की अंजील संत मरकुस के अनुसार छे बाप सत तो तेरह ऐ तक। उसने बारह नू अपने कोल बुलाया अते उन्हां नू दो दो करके भेजन लगा अते उन्हां नू अशुद्ध आत्मावां उत्ते अधिकार दिता। उसने उन्हां नू हदायत कीती कि वह अपने सफर लई सिवाय लाठी दे होर कुछ ना लैन ना रोटी ना चोली अते ना अपने बटुए विच पैसे पर वह पैरी जुत्ती पा लैन अते दो कुर्ते ना पहनन। उसने उन्हां नू आख्या जिथे भी तुसी किसे घर विच दाखल होवो उत्थे ही रहना जदों तक तुसी उस जगह तो विदा नहीं लेंदे। जेकर किसे थां तुहाडा स्वागत ना होवे अते लोक तुहाडियां गल्लां सुनन तो इनकार करन तां उस थां तो विदा होण समें तुसी उन्हां दा खिलाफ सबूत लई अपने पैरां उत्ते लगी धूड़ झाड़ दिओ। इसलिए वह चले गए अते प्रचार किया कि लोग पछतावा करन। उन्होंने बहुत सारिया बदरूहां कढ़िया अते बहुत सारे बीमारों उत्ते तेल मल के उन्होंने चंगा किया। यह प्रभु की पाक अंजील है। तेरी महिमा होवे हे मसीहा।